Welcome to my YouTube channel. Let's study with Sangeeta Bisht. Subscribe and press the notification icon to see our video first. Hello and welcome back students. In today's video we are going to continue capital budgeting and this is the chapter of your subject financial management. ठीक है, तो ये आपका सेकेंड वीडियो है एंड मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बोला था कि आपको कुछ टर्म्स याद रखनी है, तो उनमें से आपकी दो टर्म है. एक आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है जिसको मैं PVF बोलूँगी, एक PI है. अब PI क्या है, तो अगर आपने पहली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि PVF और PI क्या है. PI इज़ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एंड PVF इज़ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर. ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये दोनों चीज़ें कैसे कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट हाउ वी कैलकुलेट PVF एंड PI. चलो ठीक है, अब साथ में ये ध्यान रखना कि अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हो, इफ़ यू थिंक कि आपको हेल्प कर रही है और आपको समझ आ रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज वेल. उनको भी बोले सब्सक्राइब करने के लिए और यू कैन जॉइन मी ऑन माय इंस्टाग्राम एज वेल, वेयर आई विल अपलोड क्वेश्चंस एंड यू हैव टू सॉल्व, यू हैव टू रिस्पॉन्ड यू नो इन द सेम वे विच आई एम यू नो टेकिंग इनिशिएट ऑफ. सो आई होप यू रियली लाइक यू नो एन्जॉइंग वॉचिंग माई वीडियोज. एंड Why I'm saying enjoy, I know you don't enjoy studying but you have to enjoy studying, right? So let's start with the video. अब देखो यहाँ पे आपका question क्या है, सबसे बोलता है कि initial outlay. Outlay का meaning क्या होता है, outlay का meaning होता है outflow. कि अगर मैं कुछ outflow का क्या मतलब होता है, inflow, outflow. Outflow, outflow से आप समझ सकते हो कि पैसा आपके पास से जा रहा है, और इनफ्लो का मतलब पैसा आपके पास आ रहा है, यही होता है ना आउटफ्लो इनफ्लो का मतलब. तो ठीक है, तो आपने इनिशियली इतना पैसा लगाया 1,00,000 रुपये. प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यानी कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर PVF है 10%, इस पर 10% के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है. ठीक है, और आपके ईयर में इनफ्लो इतना हो रहा है, इसका क्या मतलब है कि आपको 1,00,000 रुपये आपने लगाए कहीं पे. ठीक है, और आपको हर साल मिल रहे हैं ऐसे, पहले साल में 50,000 मिले, दूसरे साल में 40,000 मिले, तीसरे साल में 30,000 और चौथे साल में 20,000 मिले. इफ़ यू सम अप ऑल द यू नो अमाउंट, तो आपको लगेगा हाँ भाई मेरे बहने 1,00,000 रुपये मुझे ज़्यादा पैसा मिल रहा है. देखो यहाँ पर आपका 90 हो गया, 120 एंड 140, तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको 1,40,000 मिल रहे हैं. अब आप जैसे सपोज करो ना, एक स्कीम लगा लो, आप स्कीम लगा लो कि अगर आप 1,00,000 रुपये लगाओगे तो पहले साल में आपको 50,000 मिलेंगे, दूसरे साल में 40,000 मिलेंगे, तीसरे साल में 30,000 मिलेंगे, चौथे साल में 20,000 मिलेंगे. तो आप जोड़ के देखोगे कि कितना पैसा आपको मिलेगा इन टोटल. तो आप यहाँ पर देखोगे तो आपको 1,40,000 मिले और आप जल्दी मान जाओगे कि चलो चलो हम लगाते हैं, हमें मैं अभी अगर 1,00,000 रुपये लगाऊंगा तो मुझे टोटल 1,40,000 मिलेगा. बट आप ये भी तो बात समझो ना कि टाइम के साथ पैसे की वैल्यू भी तो वो होती रहती है ना. जैसे सपोज पहले के टाइम में यू नो 58 की वैल्यू होती थी, तो आज के टाइम में नहीं है. तो आप क्या कैलकुलेट करोगे कि अगर पहले साल में आपको 50,000 रुपये मिले तो उसकी वैल्यू आज क्या होगी, तो मतलब आप उसकी वैल्यू आज के हिसाब से निकालोगे. तो आपका ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यही है कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बताएगा कि 50,000 रुपये की आज क्या वैल्यू होगी, 40,000 रुपये की आज क्या वैल्यू होगी, 30,000 रुपये की आज क्या वैल्यू होगी, 20,000 रुपये की आज क्या वैल्यू होगी. ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको यहाँ पर निकालना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और इंडेक्स. नेट प्रेजेंट वैल्यू बताएगा कि जो आप पैसा लगा रहे हो उसकी उसको जो आपका पैसा मिलेगा उसका आज क्या कीमत होगी. तो आप उससे आइडिया लगाओगे कि क्या मैं इस पर इन्वेस्ट करूं 1,00,000 रुपये या नहीं करूं. आई होप आपको इतना सफिशिएंट हुआ होगा. चलो पहले कैलकुलेट करना है आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू. नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है कि PV प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, यानी कि जो इनफ्लो होगा आपको आगे 50 उसकी आज क्या कीमत है, और आउटफ्लो माइनस कर दोगे तो आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ जाएगा. दिस इज़ योर फॉर्मूला. ये मैंने यहाँ पे करा, ये आंसर आ गया. इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, आउटफ्लो तो आपको दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू लर्न हाउ टू कैलकुलेट इनफ्लो. इनफ्लो कैसे करना है, देखो इनफ्लो के लिए आपको पूरी टेबल बनानी है. ईयर लिखे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर. इनफ्लो लिखा 50,000, 40,000, 30,000, 20,000, ये तो दिया है. अब ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या है, ठीक है,
पहले साल में जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है इतना आया, सेकंड में इतना आया, थर्ड में इतना आया, फोर्थ में इतना आया, आपने ये मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे ये अमाउंट आ गया। उसके बाद आपने क्या करा, ये अमाउंट टोटल कर दिया तो ये आ गया, और आपने यहाँ पुट करा ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ गया। अब आपने बोला चलो मैम ये तो ठीक है, अब मुझे मैम ये भी तो बता दो कि ये कैसे कैलकुलेट करा है। ये मैंने कैसे कैलकुलेट करा, मैंने कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके दिखाया, इसकी उसकी वीडियो में इस जो जैसे ही ये सारा खत्म होगा आप आगे वीडियो यू नो फॉरवर्ड कर सकते हो, तो आप इसमें कैलकुलेशन एक्चुअल में देखोगे कि मैंने कैलकुलेटर में कैसे कैलकुलेट किया है। ठीक है, उससे आपको ये ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। तो अब देखो यहाँ पे 14,680, तो आपकी मतलब ये डिफरेंस आ रहा है, यानी कि आपको 14,680 रुपये का डिफरेंस है। यानी कि अगर आज आप 1,00,000 रुपये लगा रहे हो तो आपको मतलब जो फ़ायदा होगा इन टोटल, यू नो आप ये नहीं कर सकते आपको इतने लाख मिल रहे तो इतने का फ़ायदा, वो उस टाइम के हिसाब से उस पैसे की वैल्यू भी तो बदल जाएगी ना। जो मैं चीज़ आज 1,00,000 रुपये में खरीद सकती हूँ वो आगे जाके वो उसकी डबल कीमत में खरीदूंगी, तो क्या पैसे की वैल्यू सेम रह गई? नहीं ना। तो आपको जो फ़ायदा होने वाला है दैट इज़ 14,680, यानी कि यहाँ पर अगर आपका प्रेजेंट नेट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पॉजिटिव आता है तो वहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, अगर नेगेटिव आता है तो वहाँ पर आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला था, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज पीवी वैल्यू ऑफ इनफ्लो डिवाइडेड बाय आउटफ्लो, इनफ्लो आउटफ्लो, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब आपको कैलकुलेशन, ये वाली कैलकुलेशन की वीडियो देखनी है, आई होप आप उसको देखो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, जल्दी जल्दी एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ ये छोटा सा कैलकुलेशन बट मोस्ट इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो दैट्स अबाउट दिस वीडियो, प्लीज़ आप कैलकुलेशन देख लो। ओके, चलो। Okay guys, this is the calculation portion that how you have to calculate this values which I calculated here. I'm just gonna tell you that how you have to calculate, right? So if you can see that your present value is your 10%, so sabse pehle what you have to do in your calculator, sabse pehle aap yahan pe likhenge isme calculator mein 1, then plus जो भी परसेंट है, इट कैन बी 20%, 30%, वट एवर, बट इन योर केस इट इज 20%। तो आपको देखोगे आप करोगे 10%, तो आपका देखो यहाँ पे 1.1 आ जा रहा है। ठीक है, तो ये आ गया। अब आपको फर्स्ट ईयर के लिए निकालना है, तो आप क्या करोगे, 1 डिवाइडेड बाय 1.1, तो देखो क्या आ गया, 0.90। तो मैंने यहाँ पे एज यू कैन सी 0.90। ठीक है, इस कैलकुलेशन को बार बार देखना। अब टू ईयर के लिए तो आप इसको एक बार और प्रेस करो इक्वल्स टू को। ठीक है, तो 8.26, देन थर्ड टाइम करो 7.51, राउंड ऑफ कर सकते हो, एंड फोर्थ टाइम करो 0.683। ठीक है, दिस कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो ये आप करके देखो एक बार, मैं दोबारा आपको करके दिखाती हूँ। सबसे पहले आपको हमेशा 1 लिखना है। ठीक है, 1 लिखोगे, हमेशा 1 लिखोगे, देन जो भी परसेंट है, प्लस 10% था, हमने ये कर दिया, 1.1 आ गया। अब आपको देखना है, हमेशा क्या करोगे, 1 डिवाइडेड बाय 1.1, तो 1 इक्वल्स टू प्रेस करोगे, 1 फर्स्ट ईयर के लिए आ जाएगा, सेकेंड इक्वल्स टू सेकेंड ईयर के लिए इतनी आ जाएगी, थर्ड ईयर के लिए, फोर्थ। अब मैं सपोज 20% के लिए करती हूँ, तो 1 प्लस 20%, तो 1.12 आएगा। तो अब आपको लिखना है 1 डिवाइडेड बाय 1.12, फर्स्ट ईयर के लिए इतनी वैल्यू आ जाएगी, सेकंड के लिए इतनी, इक्वल्स टू दबा रही हूँ मैं। ठीक है, इस तरीके से आपको करते रहना है, राइट? ओके।